फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं जो लेकर आया हूं आपके लिए कि कैसे हम लोग सेंट्रल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यूज करेंगे। सो इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए आप पूरी वीडियो को क्लियर कीजिए, देन आपको सारी चीजें समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हैं, पासवर्ड्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए सेंट्रल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लॉग इन करना होगा। सो पहले तो सेंट्रल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आता हूं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप गूगल पे सर्च करो एंड देन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसे ओपन कर लो। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाए तो देन हम लोग चूज करेंगे डिजिटल बैंकिंग, और इसके अंदर आप देखो काफी सारा डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ आप इंटरनेट बैंकिंग हमें यूज करना है तो हम लोग यहां से चूज करेंगे इंटरनेट बैंकिंग, और ये इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट ओपन हो गई। देन क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, यहां पे काफी सारा ऑप्शन अवेलेबल शो कर रहा है आपको कि कैसे हमें क्रिएट करना है। ओके, सो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर्ड करना है इंटरनेट बैंकिंग के लिए, तो आप डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करो। देन अगर रजिस्टर्ड करना है आपको इंटरनेट बैंकिंग के लिए तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा इस जगह से, देन फॉर्म को फिल करके आप अपने ब्रांच में सबमिट कर दो। एंड सबमिट करने के बाद आपको कुछ 3 steps को मेंटेन करना है ना। आफ्टर ब्रांच इनेबल इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज, जब ब्रांच इनेबल करता है आपकी और फैसिलिटीज को, तो वो आपको 2 details आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर एक आईडी होगा, CIF नंबर होगा, ठीक है ना, जिसमें आपका नॉन CIF नंबर इन पर्सनल CIF नंबर आपको प्रोवाइड करता है। ओके, देन आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि इंटरनेट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पे आपको जाके अपनी पासवर्ड्स को क्रिएट करनी पड़ेगी। सो नाउ मैं सिलेक्ट करके इस वाले लिंक पे जाता हूं, centralbank.net.in। ये स्पेशली इंटरनेट बैंकिंग को की पासवर्ड्स को इनेबल करने की वेबसाइट है। ओके, नाउ अब आप देखो आपके पास कौन सी अकाउंट है। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप ये पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग यूज करो, और अगर आपके पास करंट अकाउंट है, कोई बिजनेस अकाउंट है, तो इन दैट केसेस आपको चूज करना होगा कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग। तो आप देखो आपके पास कौन सी अकाउंट है। ओके, तो हमारे पास है, हमारे इस केसेस में मैं यहां पे चूज कर रहा हूं कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें करंट अकाउंट का ऑप्शन यूज होगा। नाउ क्लिक ऑन लॉग इन। नाउ एक प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड क्लिक हियर टू, प्लीज क्लिक हियर टू प्रोसीड। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमें पासवर्ड्स को क्रिएट करना होगा, क्योंकि अभी हमारे केसेस में हमारे पास कुछ भी अवेलेबल है नहीं। तो हमारे पास आईडी अवेलेबल होगा जो ब्रांच से आपको मिल जाएगा, CIF नंबर एंड नॉन CIF नंबर, और वो आपके मोबाइल एंड ईमेल को कनेक्ट कर देगा। नाउ जनरेट ऑनलाइन पासवर्ड। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहां पे अपनी नॉन पर्सनल CIF नंबर डालो। सो मैं यहां डाल देता हूं, देन यहां पे पर्सनल CIF नंबर डालो जो आपको ब्रांच से मिला होगा। देन अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालो, देन यहां से जनरेट। ओके, देन यहां से अब यहां पे शो कर रहा है कि योर नेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होगा ना। आपको करना क्या है, नेक्स्ट। नाउ आपको अपनी फिर से कॉर्पोरेट आईडी डालनी होगी, जो आपकी नॉन पर्सनल CIF नंबर है, वही है कॉर्पोरेट आईडी। देन आपको अपनी यूजर आईडी डालनी होगी, आपको ब्रांच से भी मिल जाता है यूजर आईडी, अदरवाइज आपने जैसे जनरेट किया होगा आपको यूजर आईडी आ गया होगा आपके फोन पे, एंड देन उस पे एक वंस टाइम पासवर्ड आया हुआ होगा, आप उसे भी यहाँ पे सबमिट कर दो। देन यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा एंड देन यहाँ से लॉगिन। नाउ यहाँ पे शो कर रहा है वेलकम यूजर। ओके, चलो देखता हूं सबसे नीचे, यहां पे आपको कंडीशन एंड यहां से एग्री, सारे कंडीशंस को पढ़ लो एंड एग्री कर लो। सो सबसे पहले करंट पासवर्ड, जो आपको वंस टाइम पासवर्ड था,
देन यहाँ पे न्यू पासवर्ड, ध्यान दीजिएगा न्यू पासवर्ड, कुछ अल्फाबेटिक हो, कुछ नंबर्स हो, ध्यान दीजिएगा उसमें कुछ कैपिटल लेटर भी इंक्लूड हो, एंड देन कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, तो मैं उससे रिलेटेड बनाता हूं। ओके देन सबमिट। अब इस पे आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो आप हमेशा ओटीपी ऑप्शन चूज करो एंड देन सबमिट। नाउ फाइनली आप ओटीपी सबमिट करो यहां पे, जिससे आपके पासवर्ड कंफर्म हो जाएंगे। नाउ सबमिट। नाउ शोइंग योर पासवर्ड हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। नाउ नेक्स्ट लॉग इन। सो कंटिन्यू। पूरी डिटेल्स एडजस्ट हो जाएगी। यहां से काफी सारे ऑप्शन शो कर रहा है आपको, अप्रूवल, बैंक बिल पेमेंट, बल्क अपलोड्स, इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप प्रॉपर वे में काम कर सकते हो। नीचे आपको शो कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड प्रिंट, तो सारी चीजों को अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप प्रॉपर वे में जाओ और एक एक करके चेक करो, सारी चीजें आपको प्रॉपर यहां पे मिलती चली जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड सेट किया और कैसे इंटरनेट बैंकिंग को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग को एज अ करंट अकाउंट यूज करते हैं। थैंक यू।